अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट सलमान शेख। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आज हम आए हुए हैं बैरियर टाउन फेज़ 8 में। तो सी कमर्शियल में हम खड़े हुए हैं, कमर्शियल एरिया सेक्टर सी में खड़े हुए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो ये फेज़ 8 का सी कमर्शियल है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये दो दो मरला के प्लॉट हैं, ठीक है। आज हम इन प्लॉट्स का कंपैरिजन करेंगे सिटी हाउसिंग जेलम के दो मरला जो कमर्शियल है उनके साथ कंपेयर करेंगे। तो आपको बताते हैं कौन से बेस्ट है, कहाँ पे लेना चाहिए, सिटी हाउसिंग जेलम में या फिर बैरियर टाउन फेज़ 8 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कमर्शियल एरिया है। तो सिर्फ एक प्लाजा बना हुआ है यहाँ पर, वो बिल्कुल कम्प्लीट हुआ है, सिर्फ एक प्लाजा है। वो आपको करीब जा कर भी दिखाते हैं, बाकी सब ये इधर पोजेशन नहीं दी हुई इन्होंने, ठीक है। पोजेशन के आपने पे करने हैं चार्जेस तकरीबन 8 लाख रुपया। तो इसकी जो प्राइस है तकरीबन आलमोस्ट जो इसकी प्राइस है वो 150-160 है, ठीक है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं वो सामने आपका बन रहा है। और इसकी जो रेंटल वैल्यू है, रेंटल वैल्यू भी 70-80 हज़ार रुपये है मंथली, ठीक है। तो अगर एक बंदा इस्लामाबाद में रहता है उसके लिए तो बेटर है यहाँ पे लेना, ठीक है, या रवात में रहता है। बट एक बंदा जो मीरपुर या जेलम में रहता है उसके लिए ये बेटर नहीं है, क्योंकि अगर आप जेलम सिटी हाउसिंग जेलम में लेते हैं, ठीक है, वही आपको कमर्शियल दो मरले का डेवलप सेक्टर के अंदर, ठीक है, आपको 80-85 लाख में अच्छा मिल जाता है, ठीक है, और रीज़नेबल मिल जाता है। और जब आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपका वो इजीली रेंट के ऊपर लग जाता है, वो भी सेम रेंटल वैल्यू देता है जो कि आपको बैरियर टाउन फेज़ 8 में रेंटल वैल्यू मिलेगी, और सेम रेंटल वैल्यू आपको सिटी हाउसिंग जेलम में मिलेगी, ठीक है। अगर एक बंदा जेलम में रहता है तो यहाँ पे लेना बेवकूफ़ी है। अगर जेलम में रहता है तो जेलम में ही लेना चाहिए। अगर इस्लामाबाद में रहता है तो उस बंदे के लिए ये बेटर है, यहाँ पे कमर्शियल ले लेना चाहिए। बट ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कमर्शियल की डेवलपमेंट एज सच नहीं है, ठीक है, स्कोप नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं मॉडर्न लोग हैं वो यहाँ पर छोटे मोटे जो कमर्शियल बने होते हैं उधर जाना पसंद नहीं करते। वो अपनी ग्रॉसरीज वगैरह जो भी सीन है, यहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स बने हुए हैं वहाँ से अपनी शॉपिंग वगैरह करते हैं, वहाँ पे ही अपना ग्रॉसरीज वगैरह ख़रीदते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अगर आप दो मरला का कमर्शियल लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो बेटर है कि आप सिटी हाउसिंग जेलम में ले लें एज़ कम्पेयर टू बैरियर टाउन फेज़ 8। तो चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद विज़िट भी करवाएंगे फेज़ 8 का। तो आपके लिए मुझे इजाज़त दें, किसी किस्म की क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। आपके लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।